नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WhatsApp के डिलीट हुए मैसेज कैसे पढ़ें। दोस्तों यहां पर आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं इस मोबाइल से, दोस्तों मैं इस मोबाइल में WhatsApp पर मैसेज भेजता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये मैसेज भेजा और अब मैं ही इस मोबाइल का मैसेज डिलीट कर दूँगा, यानी कि इस मोबाइल से मैं डिलीट करूँगा, डिलीट फॉर एवरीवन, ठीक है। अब दोस्तों हमने इस मोबाइल से मैसेज भेजा इस मोबाइल पर, लेकिन इसी मोबाइल से हमने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। अब मैं आपको दोस्तों इस मोबाइल में यही वाला मैसेज लाइव पढ़ के दिखाने वाला हूँ, जिस तरह से आप डिलीट हुए मैसेज भी पढ़ सकते हो। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों WhatsApp से रिलेटेड हम अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं, आप चाहो तो हमारे वीडियोस को देखकर WhatsApp को और अच्छे से चलाना सीख सकते हो। एक बार हमारे WhatsApp के वीडियोस विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ WhatsApp पे मैसेज, ये कहाँ जो ये रहा WhatsApp, यहाँ पर आप देख पा रहे हो WhatsApp पे एक मैसेज आया, लेकिन हम WhatsApp पर नहीं पढ़ सकते। दोस्तों इन मैसेज को पढ़ने के लिए हमें अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। हम सिंपली प्ले स्टोर में आएंगे और इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, वर्ड्स डिलेटर रिकोवर डिलेटर मैसेज, ठीक है। इस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर लेट्स स्टार्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से नीचे में निशान का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है 4-5 बार इस तरह से। अब डन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर इनेबल कर देंगे और अलाउ पर क्लिक कर देंगे, इस तरह से फिर से इनेबल कर देंगे। और इस बार हम नीचे में वर्ड्स डिलीट का परमिशन मांगी जा रही है, हम इसे क्लिक करके अलाउ पर क्लिक कर देंगे, इसे परमिशन दे देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें फिर से इनेबल पर क्लिक करना हो रहा, फिर से अलाउ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर चौथा नीचे में फिर से इनेबल लिखा है, इस पर भी क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों इस प्रकार से ये एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाएगा और फिर से अलाउ परमिशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर भी क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर हो चुका है डन का ऑप्शन, ये एप्लीकेशन हो चुका है रेडी, हमारा ये एप्लीकेशन हो चुका है ओपन। चलिए दोस्तों हम ऐड को स्किप करके इस एप्लीकेशन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एप्लीकेशन हो चुका है ओपन इस प्रकार से। अब इसमें हम डिलीट हुए मैसेज कैसे पढ़ सकते हैं, यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रख लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अपने सारे पेज भरा देने हैं, ठीक है। अब इस मोबाइल से फिर से मैं एक मैसेज भेजता हूँ और अब की बार देखेगा आप कमाल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैसे हो, ठीक है, कैसे हो लिखा, और मैं फिर से इसी मोबाइल से डिलीट कर दूँगा, डिलीट फॉर एवरीवन। हमने दोस्तों इस मोबाइल से फिर से इस मोबाइल पर मैसेज भेजा और हमने डिलीट कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दिस मैसेज वाज डिलीटेड। अब हमें इस मोबाइल में पता नहीं चल रहा कि हमें इस मोबाइल से कौन सा मैसेज आया और क्या लिख के आया और वो मैसेज डिलीट हो चुका। अब दोस्तों हमने जो अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है यही वाला वर्ड्स डिलीट वाला, इस एप्लीकेशन में आएंगे, इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखिएगा जादू। दोस्तों जहाँ से ये एप्लीकेशन ओपन होता है हम चलो ऐड पर क्लिक कर देंगे और ये एप्लीकेशन हो चुका है ओपन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कैसे हो 8:41 पर मैसेज आया जो कि डिलीट हो चुका है। इस तरह से इस एप्लीकेशन में आप डिलीट हुए हुए मैसेज लाइव पढ़ सकते हो, देख लो भाई देख लो। अब दोस्तों दुनिया में कोई भी हमें WhatsApp पर मैसेज करेगा और उसके बाद डिलीट करेगा ना, वो हमें इस एप्लीकेशन में पता चल जाएगा कि उस बंदे ने हमें क्या मैसेज करा था। बड़े कमाल का एप्लीकेशन है दोस्तों, इस एप्लीकेशन को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके जरूर से बताना आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।